बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माय नेम इज़ मोहम्मद नूरुल अमीन एंड आई एम डूइंग माय बीएस इन मैनेजमेंट एट कॉमसर्सवा एंड दिस टास्क इज़ असाइंड बाय साइनस प्रोफेसर मिस्टर मसूदुर रहमान फ्रॉम मैनेजमेंट डिपार्टमेंट एंड दिस टास्क हैज़ कंसर्न्ड विद हाउ मिस्टिसिज्म इन्फ्लुएंस द सोसाइटी इन डिफरेंट एरियाज एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट्स दैट प्रैक्टिस्ड in this approach. Undoubtedly, this is very vast and tremendous space in his nature, so it's very difficult to elaborate and discuss entirely. So I just start from the single element, literature, adab, and more Persian literature, Farsi adab. So jab hum Farsi अदब की जानिब देखते हैं तो हमें चंद नाम मिलते हैं जिसमें मौलाना रूमी की मसनवी है, जिसमें हाफिज़ शिराजी की गुलिस्ताने सादी है, बुस्ताने सादी है, जिसमें हमें मिर्ज़ा अब्दुल कादिर बेदल का कलाम मिलता है, जिसमें हमें अब्दुर्रहमान जामी का कलाम मिलता है, जिसमें हमें हाफिज़ शिराजी का कलाम मिलता है, जिसमें हमें अमीर खुसरो का कलाम मिलता है। तो ये वो चंद पर्सनैलिटीज़ हैं कि जिनका असर, जिनका इफेक्ट, जिनका आउटकम सिर्फ उस वक्त तक महदूद नहीं था, बल्कि आज 10 से 12 सदियां गुजरने के बाद भी सेम इंटेंसिटी के साथ आज के अहले अदब, आज के अहले इल्म उस इल्म से फैसिनेट होते हैं। और आखिर में एक बहुत ही खूबसूरत बात जो याद रखने की है कि अब्दुर्रहमान जामी की उन जैसा गज़ल गो और नात गो शायर आज तक फारसी अदब ने पैदा नहीं किया, लेकिन वो भी जब मौलाना रूम का कलाम पढ़ते हैं, मसनवी पढ़ते हैं, तो उनको ज़बरदस्त ट्रिब्यूट पेश करते हुए कहते हैं कि मसनवी मौलवी मानवी हस्त कुरान दर जबान पहलवी, कि मौलाना रूम ने फारसी पहलवी दरी जुबान में कुरान लिख दिया है। सो दिस इज़ द वैल्यू, दिस इज़ द कनेक्शन, दिस इज़ द अलायंस डेट वी सी अमंग द spiritual persons and their literature. और आखिर में मज़ीद एक और बात कि जब हम अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह के कलाम को पढ़ते हैं, फारसी कलाम को, तो उसमें हमें पयाम मशरक़ मिलती है, रमूज़ बेखुदी मिलती है, इसरार खुदी मिलती है, जवेद नामा मिलता है, और उनकी वो फारसी की किताब जो उनकी वफ़ात के बाद पब्लिश हुई, अरमुगाने हिजाज, और मुख्तलिफ़ जगह पर, एक जगह फरमाते भी हैं कि वक्तस्त बेकुशायम मैं खाना रूमी बाज पीराने हरम दीदम दर सहने कलीसा मस्त, और एक और जगह फरमाते हैं कि तू भी है उस काफिलाए शौक से इकबाल जिस काफिलाए शौक का सलार है रूमी। तो ये वो रिफ्लेक्शन है कि जो हमें आज के स्पिरिचुअल पर्सन में नज़र आता है और जो आज से हज़ारों साल पहले गुजर चुके हैं और वक्त के दामन में इतनी वसत नहीं कि इस एस्पेक्ट को, इस पहलू को मज़ीद चीदा चीदा किया जाए। अपने नेक्स्ट इंटरव्यू की जानिब चलते हैं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़हीम है, मैं नश यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में रिसर्च स्टूडेंट हूँ। तसव्वुफ़ के हवाले से आपने सवाल किया, जो तसव्वुफ़ की जो बुनियादी ज़िम्मेदारी है जिसको कुरान मजीद ने तज़किया कहकर पुकारा है, और वो ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया के अंदर एक ख़ास मकसद के लिए भेजा है, और उस मकसद को हासिल करने के लिए इंसान को अपने तमाम तकाज़ों के अंदर पाकीज़गी की ज़रूरत होती है, और उस पाकीज़गी को हासिल करने के लिए और उस पाकीज़गी का इन्हसार इंसान के तमाम पहलुओं पर होता है। जिस तरह एक इंसान का ज़ाहिर है, जिस्म है, इसी तरह इंसान का बातिन यानी रूह भी है, दिल भी है। अब जब ज़ाहिर पाक हो जाता है तो बातिन की पाकीज़गी भी ज़रूरी है, और बातिन की पाकीज़गी दिल की पाकीज़गी का नाम है। अब बातिन की पाकीज़गी क्यों ज़रूरी है? साइकोलॉजी का एक फिनोमेना है कि जिसके मुताबिक द डिज़ायर्स कंट्रोल ऑर्गन्स एंड नॉट वाइस वर्सा, कि जो इंसान के अज़ा हैं, हाथ पांव आंखें, ये इंसान की ख्वाहिश के ताबे होती हैं, और इंसान की जो ख्वाहिश है वो इंसान के दिल से उठती है। इसी तरह अगर दिल के ऊपर नफसानियत का कब्ज़ा है तो आमाल बुरे होंगे, लेकिन अगर दिल के ऊपर अल्लाह ताला की ज़ात
का ज़िक्र है, उसका कब्ज़ा है, अल्लाह ताला की ज़ात उसके अंदर मौजूद है, तो फिर हमारे जो अमाल हैं वो नेक अमाल होंगे। मिसाल के तौर पे जो आँखें हैं, आँखें कभी भी अच्छी बुरी नहीं होती। असल जो अच्छा बुरा होना है वो आँखों के पीछे सोच होती है, जो हम सोचते हैं। आँखों का काम तो देखना है। अब सूफिया ने किस तरह एक माशरे के अंदर जो है अपना किरदार अदा किया, उन्होंने हमेशा इंसान को इंसान से जोड़ा, उन्होंने इज्जतें बांटी हैं, उन्होंने नफ़रतें नहीं बांटी, उन्होंने एक इंसान के अंदर जो उसका बातिन है उसको साफ़ किया। क्योंकि माशरा की जो इकाई है वो फ़र्द है। अब जब फ़र्द ठीक होगा तो फिर उसका घर ठीक होगा, उसके घर से उसका माशरा ठीक हो गया, और उसके माशरे से फिर पूरा जो है एक शहर वो ठीक हो सकता है। तो सूफिया कराम ने जो तालीमात दी हैं उनमें यही दर्स दिया है कि आप सबसे पहले अपने आप को, अपने अंदर को साफ़ करें। जब अंदर साफ़ नहीं है तो फिर आप जितने मर्ज़ी इबादत गुजार हो जाएं, लेकिन जब आपकी गंदगी आपके दिल के अंदर भरी है तो फिर आपका जो नमाज पढ़ना है उसके अंदर आपको सुरूर नहीं आता, उसके अंदर आपको आपका दिल नहीं लगता।